हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों से एक रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रहा था, एक क्वेश्चन आ रहा था कि कमीशन वर्क से रिलेटेड, ठीक है, कि कमीशन वर्क को कैसे मिलता है, ये कितने रुपए में करना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए। जैसे मैंने अभी जो एक पोर्ट्रेट बनाया था 4x3 feet का, तो मैंने मेंशन किया था कि वो कमीशन वर्क है। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ से मेरे को पूछा कि आपने कितने रुपए लिए, काफ़ी सारे मेरे पर DMs भी आए, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि यार इस चीज़ पे भी बात होनी चाहिए, कमीशन वर्क से रिलेटेड आज बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कमीशन वर्क आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि आपको अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की अपनी एक प्रोफाइल एटलीस्ट आपको रेडी करनी पड़ेगी अपने सोशल मीडिया पे, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू काम करना चाहते हो तो। और जहाँ तक मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू काम करना बेस्ट है, बिकॉज आपको बहुत सारे क्लाइंट्स, देश के कोने कोने से क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है, आपको इंडिया से बाहर से भी आपको लोग अप्रोच कर सकते हैं काम के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए, किसी पेंटिंग के लिए, तो ऐसे आपको काम मिल सकता है। सेकेंड, आप ये कर सकते हो, या तो देखो अगर आपके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपकी रिश्तेदारी है अच्छी खासी लोगों के साथ में, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। देखो मेरे कॉन्टैक्ट्स में, मेरी रिश्तेदारी में ऐसे लोग नहीं थे जो मुझे बोलते कि हाँ बेटा लो पैसे लो और हमारे लिए पोर्ट्रेट बना दो, ठीक है, तो उन लोगों को बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग तो होते हैं जो ऐसे आते हैं फ्री में काम करा के चले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो मैं बस बोला कि लोग आते हैं फ्री में काम करा के चले जाते हैं, ऐसा कब होता है, ठीक है। फर्स्ट, ऐसा तब होता है जब आप प्रोफेशनल बिहेव नहीं करते हो। लाइक मैं, मुझे पता है क्या क्या आंसर होते हैं, आपसे कोई बोलेगा कि सर ये पोर्ट्रेट बनाना है या फिर कोई पेंटिंग बनानी है, मैंने तो पहले तो कभी बनाई नहीं, ठीक है। ये पॉइंट होता है कि मैंने इससे पहले कभी, अरे आप क्यों बता रहे हो कि आपने इससे पहले कभी ऐसे कोई काम नहीं किया। आप या तो साफ मना करो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, उसको मत बताओ कि मैंने इससे पहले कभी काम किया नहीं है। क्योंकि अगर आपका मन है और आप करना चाहते हो, तो उसको अगर आप सामने वाले क्लाइंट के बाद बोलोगे कि आपने इससे पहले काम नहीं किया है, तो फिर वो कहीं ना कहीं डाउट करेगा आपको काम देने से, ठीक है, डाउट करेगा। और आप जो पैसे चार्ज करोगे ना, वो उस रेट में भी तैयार नहीं होगा, 150 रुपया देगा। ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह बिहेव करो। आप उससे पूछो कि आपको क्या साइज चाहिए, कितने दिन में आपको ये काम चाहिए, साइज क्या होना चाहिए काम का, ये सारी डिटेल आप ले लो पहले, और हो सके तो अपने जो मेल है उस पे ले लो, या फिर व्हाट्सएप पे, आप जिस पे भी जानकारी ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मेल पे अगर आप लेते हो तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके जो प्राइस हैं वो थोड़े से आप ठीक रखो इन द सेंस, देखो प्राइस में मैं ऐसा कोई कोट नहीं करूँगा, आप मेरी दुआ से आप 1 करोड़ रुपये लो, ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को तो अच्छा लगेगा यार, ठीक है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में हो और आपको लगता है कि इस काम को मैं 10,000 रुपये में बना सकता हूँ, फिर 20,000 रुपये बना सकता हूँ, तो आप वही पैसे चार्ज करो। आप ये मत सोचो कि सामने वाला आर्टिस्ट कितने रुपये चार्ज कर रहा है, कि अगर मान लो सो कॉल्ड कोई नया आर्टिस्ट है वो 150 रुपीज़ में बना रहे हैं, ऐसे देखो ऐसे लोग हैं, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा है, ठीक है। एक टाइम पे मैंने भी 250 रुपीज़ में मैंने काम स्टार्ट किया था अपना, ठीक है, ऑनेस्टली। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप 250 रुपीज़ में क्यों कर रहे हो, आप तो 2 लाख रुपये में करो, आपका जो मन कर रहा है आप उतने में करो, तो वो आपकी अपनी ज़रूरत है कि आपको कितने पैसे चार्ज करने हैं। थर्ड, आप ना एक काम करते करते एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता होता है कि यार मैं ऐसा पोर्ट्रेट कितने दिन में बना लूँगा, ठीक है। जैसे मान लो पीछे पेंटिंग है, मेरी अपनी पेंटिंग है, वो मेरे को उसको बनाने में मान लो 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, तो मैं ये देखता हूँ कि यार भाई मेरा 3 दिन लगे हैं, ठीक है, तो मेरे 3 दिन की जो कीमत है वो क्या है, मैं उसके हिसाब से चार्ज करता हूँ, ठीक है। एट दिस लेवल मैं ऐसे ही करता हूँ। हालांकि जो बहुत एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, उनके लिए तो अगर उन्होंने एक लाइन भी खींची वो तो कहेंगे 1 करोड़ की या 2 करोड़ रुपये की है ये, ठीक है। और ऐसा सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देखोगे ना आर्टिस्टों को तो ऐसा होता है, क्योंकि उनको उनकी वैल्यू है ना यार, उनकी वैल्यू उनका एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, ठीक है। अभी आप आए हो, नए हो, आपने स्केच बनाने स्टार्ट ही कराया अभी नया, और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो 20,000 रुपये चाहिए इसके, तो शायद कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। शायद अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर हो भाई आप कुछ बातचीत है आप में, कोई दे सकता है आपको तो लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तीसरा, आप ये भी देखो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। लाइक आप देखो कि जो सामने वाला है उसकी प्रोफाइल क्या है, अगर देख सकते हो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे सबसे लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोग देखेंगे ये पॉइंट। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ लोग थोड़ा लास्ट तक रुक के वीडियो को देखें, नॉलेज को समझें। तो सामने वाले की प्रोफाइल भी देखो कि सामने वाला जो इंसान है जो कमीशन करवा रहा है वो कौन है। लाइक जैसे मान लो एक बहुत बड़ी हस्ती है, मान लो अम्बानी भाई साहब हैं, ठीक है, उनको पोर्ट्रेट बनवाना है। अब वो आए हैं मान लो सो कॉल्ड किसी के पास भी आ गए और वो बोल रहे हैं कि जो पोर्ट्रेट बनवाना है, पहली बात तो आएंगे नहीं ऐसे, और बाय द चांस आ भी गए
तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि मैं तो 150 रुपये में बनाता हूँ सर, मैं तो 150 रुपये में ही बनाऊंगा। तो एक वैल्यू होती है आदमी की भाई, मान लो वो आपको 1.5 लाख रुपये भी दे सकते हो, 150 रुपये में यार क्या 150 रुपये में बनवाऊंगा मैं, ठीक है 1.5 लाख रुपये में कोई बनाएगा तो बताओ। ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, मैं ऐसे एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि मैंने रेट कम बताया और इस वजह से क्लाइंट चला गया, ठीक है। ऐसे में क्या सोचता ना, क्लाइंट सीरियस नहीं लेता आपको, अब वो सोचता है यार कि इतने सस्ते में कर रहा है, करेगा भी ढंग से काम, ये वहाँ पे मार खा जाते हैं, ठीक है। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत कम ऐसी वीडियो देखी मैंने जिसमें बात टच करी गई, लेकिन ऐसा है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है चीज बातचीत। और अगर इस वीडियो को समाप्त करना हो तो मैं एक पॉइंट जो आपको बताऊंगा ये है कि बी अ प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल की तरह काम करो, प्रोफेशनल अपनी प्रोफाइल बनाओ। ये नहीं कि जो प्रोफाइल पे आप अपना काम डाल लो उसी में आपने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, है ना, अपना क्या बोलो मैं भी कुछ ही बोल सकता हूँ, खाने पीने की चीज़ें, या फिर होता है ना यार, देखो हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल है, वो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें डालता है अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो मैं एक बोलूँगा कि प्रोफाइल सेपरेट रखो, आपका जो अपना पर्सनल जो एक्सपेक्ट है लाइफ का उसको आप अपना अलग रखो, ठीक है, इंस्टाग्राम जैसी जगह पर खास तौर पे, अगर मैं सोशल मीडिया में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इस चीज़ पर काम करो और चीज़ें कुछ धीरे धीरे ही होंगी यार, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम का जो पहला काम आया था ना वो था 5000 रुपीज़ का, और 5000 रुपीज़ का जब वो काम आया ना तो मुझे पता लग गया कि यार अगर यहाँ से 5000 रुपये का कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है तो 10 का भी आएगा और 20000 रुपये तक का भी काम आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वो आएगा उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन काम करो ईमानदारी से, मेहनत करो बहुत ज़्यादा और करते रहो। देखो अभी मैं, मेरे पास सबूत, रुको मैं सबूत दिखाता हूँ आपको, टाइम देखो 10:36 हो रहे हैं, आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास एक पर्सनल वर्क आ रखा है, कमीशन वर्क है, तो उसको कर रहा था पूरे दिन बैठ के, तो टाइम ही नहीं मिला यार, ठीक है। तो मुझे लगा कि चलो कमीशन वर्क है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे, मैं चलो आप लोगों से बात करी जाए, तो टाइम दिखा के बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेहनत जो है ना वो करते रहो यार, ठीक है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इसका इससे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यार कभी कभी हर बार ऐसे अगर सोचोगे ना कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो कभी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश ही नहीं रहेगी यार। तो एटलीस्ट बढ़ जाओ थोड़ा सा, देखो कि यार और लोग भी तो हैं जो कर रहे हैं, मैं भी तो हूँ ना, कर रहा हूँ ना, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो कर रहे हैं ना, तो आप भी करोगे यार, क्या टेंशन है, ये इतना बड़ा संसार है, बहुत सारे आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आ जाओ और काम करो दिल लगा के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।